एक वार एक समुद्र ने किनारे एक पक्षीए ईंडा मूक्या हता। अने समय जता आ ईंडा माथी पक्षीओना बच्चाए जन्म लीधो। बन्यू एवू के भरती आवता समुद्र आ बच्चाओने भरखी गयो। रात्रे जयरे पक्षी एटले के माता परत आवे छे अने जुए छे के बच्चा त्या नथी, समुद्र तेने भरखी गयो छे अने ए माटे ए समुद्र पासे थी वेर लेवानु विचारे छे। अने आ वेर बदलो कंईक एवो हतो के एने नक्की कर्यु के ए समुद्रनु बधुज पाणी सूकवी नाखशे। हवे एक नानू पक्षी जो आटलो मोटो निर्णय लई शके तो ए विचारवा जेवी बाबत छे। अने खूब ज क्षुल्लक गणातुं काम ए करवानुं चालू करे छे। अने काम कंईक एवुं हतुं के ए पोतानी चांचमां समुद्रमांथी पाणी भरतुं अने पछी दूर जईने ए त्यां ठालवी आवतुं अने आवुं क्रमशः चालतुं रहेतुं। हाँ जोईने पक्षीओ एनी मस्करी उड़ावता अने कहता के तू शू करे छे। अने ए पक्षी जवाब आपे छे के मैं निर्णय कर्यो छे के आ समुद्रनु पाणी मारे सूकवी नाखवू छे। एटले पक्षीओ कहे छे के आ अशक्य काम छे जे थई ज न शके। एटले पेलू पक्षी खूब सुंदर जवाब आपे छे के तमारे आपवो होय तो मने सहकार आपो, सलाह आपवानी जरूर नथी। आ जवाब सांभळीने बीजा बधा ज पक्षीओ आ काममां जोतराई जाय छे। हवे आ वातनी जाण लगभग बधा ज पक्षीओने थई जाय छे अने बधा ज पक्षीओ जाणे बेड़ो उठाव्यो होय एम आ कार्यने सिद्ध करवा मंडी पड़े छे। आ वातनी जाण विष्णु भगवानना वाहन गणाता गरुड़ने पण थाय छे। शरुआतमां तो ते ना कहे छे परंतु बधा ज पक्षीओने आ कार्य पाछळ जोतरायेला जोईने ए पण पोतानो सहयोग आपवा मथे छे। आ जोईने स्वयं भगवान विष्णु त्यां प्रगट थाय छे अने हसे छे के तमे शुं करी रह्या छो। त्यारे गरुड़ कहे छे के हे भगवन, मने क्षमा करजो, परंतु आपवी होय तो सलाह नहीं परंतु तमारो सहकार आपो। अने आ सांभळीने साक्षात भगवान विष्णु समुद्र पासे जाय छे अने समुद्र जेवा विष्णुने जुए छे के तरत ज पेला पक्षीओना बच्चाने परत करी दे छे अने छेवटे आ बधा ज पक्षीओनी जीत थाय छे। मित्रो, कहेवानो तात्पर्य बस एटलू ज के आपणी जिंदगीमां पण कोई कार्य आपणे करता होईए ने त्यारे बोलवावाळा अथवा तो मफतनी सलाह आपवावाळा घणा बधा मळे, परंतु सहकार आपवावाळा नथी मळता। अने एटले ज आपणे आपणुं काम जाते ज शरू करीए। શું ખબર આપણી પાછળ આપણે સહકાર આપવાવાળાઓનો કાફલો બનતો જાય? જરા વિચારજો।